ये गेंडा कहां से लाए हुआ? नहीं नहीं, तो कभी एक कवित्री को खा चुका है। हाँ नेहा जी, आहा, क्या आपने क्या बोला था मेरे को बुलाने से पहले? I appreciated you, no? बस ये अंग्रेजी की दिक्कत है हरियाणा के आदमी के साथ। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा, वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रे रे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रे, दूसरा बोला फाइन सू फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। हैवीपन। हमारी अंग्रेजी ऐसी है जो बस में एक लड़का खड़ा था, एक लड़की चढ़ी तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे रखा गया। अच्छा, तो लड़के का पैर दब गया तो लड़की बोली सॉरी, तो लड़का बोला मेंशन नॉट। अच्छा, लड़की आगे बढ़ गई, पीछे हरियाणा का बूढ़ा चढ़ गया, गलती से उसका पैर भी उस लड़के के पैर पर रखा गया। तो उसने लड़की की देखा देखी कह दी सॉरी, तो लड़का बोला तमीज नहीं आप देख के चल सकते, सारा जूता खराब कर दिया, पैंट खराब कर दी, चलने की तमीज नहीं आपको? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला क्यों भाई, मेरी सॉरी की के स्पेलिंग गलत थी। बहुत अच्छे। अच्छा है। वो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था, बस आकर रुकी तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। अच्छा, जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर। है बोले सारी मोरनियां तो चढ़ा ली। अच्छा, मेरा नंबर आया तो नो मोर। बहुत अच्छे। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी। दरअसल क्या है, वो एक बच्चा आया रिपोर्ट कार्ड लेके, बड़ा मायूस सा। बाप ने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया हूँ, फेल हो गया। बोले क्यों चिंता कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड ही तो है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट है? तो हमारी अंग्रेजी ऐसी। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा, वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, और छत पे उपले था अपना गोश से। जी उपले, उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। okay. और ग्रामीण में गोश से कहा जाए। जी गोबर, गोबर तो ये बैठा है। हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भैया, अगर हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ? ये गोबर ईंधन बनकर तुम्हें आग भी लगा सकता है। आगे बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? है बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जेल में मिलती हैं सुविधाएं आलीशान। अच्छा, देखने को रंगीन टीवी, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं, और खाने को मिलते हैं एक से एक बढ़िया पकवान। ये पढ़कर मुझ बेरोजगार को लगा कि यहाँ तो मिलती है 5-स्टार सुविधाएं। अच्छा, नौकरी ढूंढने से तो अच्छा है किसी तरह जेल ही चला जाए। अब मुझे दिन में रात में गर्मी सर्दी बरसात में कश्मीर की वादियों की जगह जेल के हसीन रंगीन दिलकश सपने आने लगे। ओहो, जेल के सपने। रोज रोज दुभारने लगे, मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोटती, मूर्ख कवि सम्मेलन में चला जाता है, इससे तो जेल क्यों नहीं आता। जेल जाने की धुन में मैं इस कदर बीमार पड़ गया, मलेरिया की जगह जलेरिया में जकड़ गया। जलेरिया। बहुत अच्छे। इस अवस्था में मैं घर पर भी कैदियों वाले कपड़े पहनने लगा। अच्छा। और घर की खिड़की के सीकचों पर बैठने लगा। अच्छा। जब जब भी कोई मेहमान मिलने आया मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में कोई मिलाई करने आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो मेरे पैरों की जोड़ी तिहाड़ जेल की ओर बढ़ गई। अच्छा। मैंने वहां देखा एक कैदी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रसमलाई खा रहा था और एक पुलिस वाला उसके पांव दबा रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ गिड़गिड़ा रहा था, भाग जा मेरे बाप, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगा, 40 किलो से 80 किलो का तो हो गया, और कितना पलेगा। कैदी मुस्कुराया, बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ, जाओ हमारे लिए एक जोड़ा पान लेकर आओ। अच्छा। सिपाही के जाते ही मैंने कैदी को दंडवत प्रणाम किया और कहा हे महान आत्मा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी जेल जाने की हार्दिक इच्छा है, इन चरणों में जगह दीजिए, कोई उपाय बताइए, किसी भी तरह से सही मुझे जेल ले आइए। कैदी पिंगला, हूं तो जेल में आएगा, मिठाइयां और पकवान खाएगा, ऐसा कर किसी की टांग तोड़ दे। अच्छा। या कोई लड़की छेड़ दे। हाँ। ये ब्रह्म वाक्य लेकर मैं वापस घर आया, एक दिन मैंने एक आवारा लड़के की टांग तोड़ दी। हाँ, अब जेल जाना पक्का।
और घर पर आकर करने लगा इंतजार कि पुलिस वाले अब आए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोहल्ला सुधार समिति के कुछ सदस्य आए। अच्छा। बोले आपने उस आवारा की टांग तोड़ी, धन्यवाद। अच्छा। हम सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। हाँ। और इस पुण्य कार्य के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। अभिनंदन के एक हफ्ते बाद वही आवारा लड़का मेरे घर आया। अच्छा। और मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में थमाया। बोले आपसे मिलकर तो मेरी जिंदगी बदल गई, आपने उस दिन टांग तोड़कर मुझे विकलांग किया और इस चक्कर में मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अगला उपाय क्या जाए, बस में किसी लड़की को ही छेड़ दिया जाए। बस में लड़की को छेड़ दिया जाए। तो बस में घुसते ही मैंने एक सुंदर कन्या की तरफ आंख चलाई। वो कुछ नहीं बोली तो हमने उसकी उंगली दबाई। लेकिन वो तो कमाल थी, उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। अच्छा। उंगली से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो दो पुलिस वाले हमारे सिर पर आ चढ़े। बोले शर्म नहीं आती सरे, हम लड़की को छेड़ते हो, अपनी उंगली उसकी उंगली से भेड़ते हो। तभी तीसरे पुलिस वाले ने टोका, अबे रहने दे रहने दे, सस्पेंड कर देगा दरोगा, सरेआम लड़की छेड़ रहा है, जरूर किसी बड़े बाप का बेटा होगा। वाह 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 वाह। पहला बोला नौकरी गई भाड़ में, ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। क्या बात है, ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। लड़की दरअसल छिड़ी ही नहीं थी। अच्छा। उंगली उसकी उंगली से भिड़ी नहीं थी, इसलिए वो बीच में पुलिस वाले से बोली, भाई साहब क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? बहुत अच्छे। क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं, इन्होंने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। उस लड़की को छेड़ना मुझे और सता गया, क्योंकि शाम को ही उसका बाप घर पर रिश्ता लेके आ गया। एक दिन मैंने एक महिला का पर्स चुराया। अच्छा। और भागा भागा पुलिस स्टेशन आया, वह महिला वहीं बैठी पाई, और जैसे ही उसने पर्स चोरी जाने की रिपोर्ट लिखाई, मैंने पर्स को थानेदार के आगे सरकाया और हथकड़ी लगवाने की मुद्रा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। पुलिस वाले ने मेरे हाथों को झड़क दिया, मुफ्त में जेल जाना चाहता है। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। इतना कहकर उसने एक फोन मिलाया और अपने साले को थाने में बुलवाया, मुझे दो डंडे मारकर वापस भिजवा दिया, और पर्स चुराने के आरोप में उस साले ने अपने साले को अंदर करवा दिया। क्या बात है भाई, वाह। अब आप ही लोगों से कुछ उम्मीद है, इतना क्वालिफाइड अपराधी, इतना जेन्युइन अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जेल जाने के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है, अब आप ही कोई उपाय बताओ, हो सके तो कोई सोर्स भिड़वाओ और किसी भी तरह से सही मुझे आप जेल तो भिजवाओ। क्या बात है, वाह वाह। वैसे आप भी क्या उपाय बताओगे? अगर आपके पास ही कुछ उपाय होते तो आप ये कविता घर पर नहीं बल्कि जेल में रंगीन टीवी पे देख रहे होते। क्या बात है, बहुत 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 अच्छा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।